Welcome in my class. Today I am teaching you accountancy chapter number 8, and this is our new chapter, journal proper. Okay, last we have completed chapter number 7, and that was cash book. Now journal proper. What is the meaning of journal proper? Now see here, meaning of it: the subsidiary book in which the transaction which are not recorded in any other subsidiary book are recorded is known as journal proper. It means what? अभी तक हमने जितनी subsidiary book देखी, like purchase book, sales book, okay, purchase book, sales book, then cash book, purchase return book, cash return book, okay. ये सारी एंट्रीज अगर इन 5 बुक्स में हम नोट डाउन नहीं करते हैं, इट मींस जिस नोटबुक में नोट डाउन करेंगे दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. फर्स्ट ऑफ आवर सब्सिडियरी बुक आर परचेस बुक, सेल्स बुक, सब्सिडियरी बुक, सॉरी सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ओके, एंड कैश बुक. इसके अलावा के जो भी ट्रांजेक्शन है, ओके, तो हम जिसमें नोट डाउन करेंगे दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. अब देखो, जर्नल प्रॉपर को हमें क्लासिफाई करना है, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर. अब जर्नल प्रॉपर में हमें नोट डाउन तो करना है, हमें पता चल गया कि कैश बुक में जिसकी हमने एंट्री नहीं की वो ट्रांजेक्शन, परचेस बुक में जिसकी एंट्री नहीं की वो ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक में एंट्री नहीं की वो ट्रांजेक्शन, बट कौन से ट्रांजेक्शन, ओके, उनको क्लासिफाई हमें करना है. सो सी, फर्स्ट वन इज ओपनिंग एंट्रीज. देखो, ओपनिंग एंट्रीज आपको याद होगा जब हमने जर्नल एंट्रीज पास की चैप्टर नंबर 4, ओके, उसमें हमने जब भी स्टार्ट किया कि ब्रॉड कैश, फर्नीचर एंड स्टार्ट बिजनेस, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री हम कहां करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, ओके. देन सेकेंड वन इज नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडियरी बुक, यानी जो सब्सिडियरी बुक लास्ट हमने प्रिपेयर किया उसमें जिसकी एंट्री नहीं हुई है, लाइक बिल्स पेबल, चैरिटी, ड्रॉइंग, ओके, ये सारे ट्रांजेक्शन उनकी एंट्री हम कहां करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि बिल्स पेबल ये परचेस भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है और कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है, ओके, तो इसमें हम नोट डाउन नहीं कर सकते, तो कहां नोट डाउन करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. देन चैरिटी, गुड्स गोइंग बाय चैरिटी, तो चैरिटी से हमें गुड्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, बट हमें उसे सेल्स बुक में नोट डाउन नहीं कर सकते, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स की हम एंट्री करते हैं, ओके, तो उसकी एंट्री कहां करेंगे? जर्नल प्रॉपर. देन ड्रॉइंग, सपोज किसी पर्सन ने ड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज लाइक इनकम टैक्स, ओके, देन पर्सनल अदर यूजेस, तो उसकी एंट्री हम सेल्स बुक में भी नहीं कर सकते, परचेस बुक में भी नहीं कर सकते और कैश बुक में भी नहीं कर सकते, बट कहां एंट्री करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, ओके. अब यहाँ पे ड्रॉइंग, अगर कैश में ड्रॉइंग किया है तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे, बट अगर कोई गुड्स ड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. देन नेक्स्ट वन इज इंटर अकाउंट ट्रांजेक्शन, इट मीन्स इंटरनल ट्रांजेक्शन अगर कनेक्टेड है, लाइक पेबल अमाउंट, सपोज पेबल अमाउंट है फर्म को ए के थ्रू, अगर ए को सम अमाउंट पे करना है फर्म को, ओके, बट बी एक्सेप्टेड कि आई विल पे सच अमाउंट बिहाफ ऑफ यू, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन हुआ, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन का नोट डाउन करेंगे इंटर अकाउंट ट्रांजेक्शन, इट मींस जर्नल प्रॉपर. देन नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग एंट्रीज, जैसे हमने ओपनिंग एंट्रीज की वैसे क्लोजिंग एंट्रीज, सारे अकाउंट क्लोज करके हमें प्रॉपर प्लेस पे रखना है, लाइक सैलरी अकाउंट अगर हमने क्रिएट किया है तो सैलरी का अकाउंट क्लोज करके कहां ले जाएंगे? पीएनएल अकाउंट. देन सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया है उसको क्लोज करके कहां ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट. देन अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, पीएनएल अकाउंट. ठीक है, तो ऐसे जितने भी हमने लेजर क्रिएट किए होंगे उसको क्लोज करके कहां ले जाना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ओके, तो वैसे क्लोजिंग ट्रांजेक्शन हम कहां नोट डाउन करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री धीरे धीरे आप आगे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे जब फाइनल अकाउंट आप क्रिएट करोगे, ओके, उसमें आपने देखोगे एडजस्टमेंट होगा. एडजस्टमेंट इट मींस कि जो एंट्रीज आपको पहले से गिवन नहीं है बट बाद में उसमें इफेक्ट आ रहे, लाइक अनरिकॉर्डेड सम अमाउंट, लाइक अनरिकॉर्डेड परचेज.
अब परचेज की एंट्री आपके बुक में नोट डाउन नहीं है बट बाद में आपको पता चला, तो वैसे एडजस्टमेंट की एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में. ओके, देन अनरिकॉर्डेड पेमेंट, अनरिकॉर्डेड रिसीवेबल अमाउंट, तो ऐसे जो भी अनरिकॉर्डेड है या फिर आपको बाद में पता चलता है तो उसको हम एडजस्टमेंट ट्रीट करते हैं. वैसे अकाउंट हम कहाँ नोट डाउन करेंगे? ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर. देन नेक्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. रेक्टिफिकेशन यानी जो हमने बाय मिस्टेक यानी रॉन्ग हमने एरर फाइंड एरर हमने नोट डाउन किया है, तो वैसी एंट्रीज हमें कहाँ नोट डाउन करनी है? जर्नल प्रॉपर में. लाइक आई पेड सम अमाउंट फॉर सैलरी, ओके, बट बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, उसको नोट डाउन कर दिया ऑफिस एक्सपेंस. तो ये मेरी मिस्टेक हुई, सैलरी का जो अमाउंट था वो मैंने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया. तो उसको क्या करेंगे? उसको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और उसकी एंट्री कहाँ पास हम करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. ओके, सो अगेन रिगार्डिंग ओपनिंग एंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडियरी बुक, इंटर अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड लास्ट वन इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. तो ये सारी जो एंट्री होगी उसको नोट डाउन हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जर्नल प्रॉपर इज इट मीन्स वॉट. सिंपल, जितने अपने सब्सिडियरी बुक अभी तक प्रिपेयर किए उसके अलावा जो एंट्री हम नोट डाउन करते हैं जिस बुक में, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. ओके ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल प्रॉपर के रिगार्डिंग सम करेंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इसके जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं और इसका इफेक्ट हम कैसे देंगे. ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे.